हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के जनपद बुलंदशहर में जिला पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर तत्काल ये उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो जनपद के सभी पंप संचालक स्ट्राइक पर चले जाएंगे। एसोसिएशन का दावा है कि जनपद के किसी भी पेट्रोल पंप पर घटतौली या मिलावट नहीं पकड़ी गई है। बावजूद इसके जिला प्रशासन मामूली चीजों पर मानकों की अनदेखी का हवाला देते हुए जनपद भर के पंप संचालकों का उत्पीड़न करने पर तुला है। आपको बता दें कि बुलंदशहर में IOCL, BPCL, HPCL के 140 पेट्रोल पंपों पर डीजल और पेट्रोल की बिक्री की जाती है। जिले में जो जांच पेट्रोल पंपों की जांच की गई है उसके संबंध में हमारे जिले के सभी पेट्रोल पंपों के सैंपल पास लाए गए हैं और छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि कोई छोटी मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए अगर पंप पर कोई छोटी मोटी भूल है तो उसको न्याय संगत निर्णय करने के लिए वहीं निपटारा करें, हमारा उत्पीड़न ना हो। और जिले में जितने भी पंप हैं, चाहे वो किसी कंपनी के हैं, चाहे प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, सबको एक ही चेहरे एक ही उससे देखा जाना चाहिए कि सबकी जांच समान तरीके से होनी चाहिए। जिसकी जिला पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता करते हुए जिला प्रशासन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने दावा किया है कि फिलहाल वो जिला अधिकारी को लिखित शिकायत देकर उत्पीड़न रोकने की गुहार लगाएंगे। अगर उसके बाद भी जिला प्रशासन की ओर से उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो एसोसिएशन स्ट्राइक पर जाने को मजबूर होगा। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।